हेलो नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहे हो? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन कौन बैरागी जी? नंदकिशोर बैरागी, ना से नंदकिशोर बैरागी। हाँ, ना से नंद, ग से गंड। अरे क्या भैया, किसने मन लाया? जैसे हर हफ्ते मैंने सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उस पे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले तुमने? एक मिनट लगेगा बस। तो बोलो फिर, जल्दी बोलो। जल्दी, हाँ बोल रहे, जल्दी। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा भाई साहब। सुना है आप चर्चा करोगे? हाँ, चर्चा नहीं करेंगे, ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। पता? इनको सब पता है बैरागी जी, प्लीज बताइए क्या कहानी है। अच्छा। पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। कौन? टफी त्रिपाठी। बाप का नाम? देखिए अपने सत्वचन अपने पास रखिए। तो कैसे नाम ले रहा? एक सेकंड, राजा टफी त्रिपाठी के यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात, जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे पुत्र हुआ है, हीरा निकाल कर अपनी जेब से सदा को दे, जैसे वो गर्दन से तोड़ के दे देते थे ना, वाह पुत्र हुआ। बोल भाई साहब, आपको याद है वो दिखाते थे टीवी पे पहले? ओ पागल के बच्चे साले, तुम्हारा। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात, उन्होंने आके राजा कंपनी है। अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना दिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चलाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ। वाओ, तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब, अरे सुना क्या रहा है, ये तो बताया साला सुना रहे तो। तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए, तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। अपनी हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया, तब से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ मेरे पास बहुत बड़ा हीरा तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप बैरागी जी। इनका नाम क्या है? किलसन जोशी, बहुत किलस रहे हैं। आपका नाम? चर्चा यही करता हूँ, प्रकाश लोशन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किलसन जोशी। किलसन जोशी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू से खरबूजे के बीच सुखाने वाली सेंटी रीता कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होते। सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता। जब बेटा बड़ा हो जाए, जो बेटे का जूता बाप के, नहीं सॉरी, बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे, तो एक ही बात है ना, बेटे का भी बाप पहन ही सकता है ना। हाँ ये बात तो सही है, तब वो बाप नहीं, वो दोस्त बन जाता है। ऐसा किसी ने टॉपिक दिया था, उस पर बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, कौन बोल रहा? नमस्ते अंकल। हाँ, अगर आपकी घड़ी में 13 बज गए हैं। अच्छा, 1:13। अच्छा, तो किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम। ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे, और मजे पापा अंकल क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरे पापा है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, ये इनका नाम है। अच्छा, पूछो इसका क्या मतलब। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल चड्ढा ना, मार क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या? सपने बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले ले ले, आया समझ में? समझ में कटिने दिमाग नहीं। एक सेकंड, पापा ये मक्खन लाया आप? नहीं, इसको मैं खिड़की से फेंक रहा हूँ। बगैरत ना, मैं फेंक रहा हूँ। अरे हर रोज मक्खन की टिक्किया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंक है मक्खन की टिक्की? सुंदर लाल चड्ढा जी, मुझे ए तमीज से बात कर। हाँ, बाप है मेरा, चड्ढे मुंह के भी बनाए हमने। खुद हंसी रहे, हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अच्छा, और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख ये देख, पापा गंदी बात बोल रहे। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा खस दूंगा इसके। इधर इधर मेरे पास, इधर गाली दे रहा है। ताजमहल कितने है, कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है, कभी जाया करूँ मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में। आगरा में
और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में ना करो, पता लगेगा। क्या करूँ मैं बेटे? एक मिनट, मैं छोड़ दिया, मार दिया मेरा बाप। रो मत रो मत, दोस्त तू मैं तेरा, और हमसे बात कर। दोनों पिटोगे, दोनों चले गई। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही है। काम करेगा अपने बाप को कह रहा, तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोले दोस्त समझ। अबे ओ सुंदरलाल चड्डा, तू गंदा। सुपर हिट्स 93.5 रेडियो पर स्वागत है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसे जड़ से उखाड़ दो। इसी बात पर मैंने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। दो मिनट होंगे? हाँ जी दो मिनट होंगे। दो मिनट तो नहीं है, जो काम है जल्दी बोलो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँ, जल्दी बोल जो बोलना है। आवाज थोड़ी सी कचरी थी। मैं कह रहा हूँ इंसान में ना, हाँ जी, पेशेंस नहीं रह गया। पेशेंट इंसान ही हो गया ना, अब पेशेंस इंसान में कैसे रहेंगे? नहीं मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन वो हल्के में निकालता है, जबकि उसे अच्छा। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जड़ से उखाड़ना चाहिए। जड़ से कैसे उखाड़ना चाहिए? सपोज तंबाकू है, टोबैको। हाँ टोबैको ईटिंग इज इंजीनियर्स टू हेल्थ। इंजीनियर्स नहीं था, इंजीनियर्स टू हेल्थ। अगर टोबैको खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो क्या करना चाहिए? बैन कर दो साले। नहीं नहीं, फिर तू बैन करेगा, आदमी कहीं और से निकाल के खाएगा। प्रॉब्लम है निकाल के खाएगा। एक सेकंड, सोल्यूशन ये है जी कि आदमी दांत से तंबाकू चबाता है। हाँ दांत तोड़ दो, उखाड़ दो। हाँ हाँ, क्या नंदेगा, दांत न खाएगा तंबाकू तो बढ़िया है। इसका मतलब तो तू ये कह रहा कि जनसंख्या रोकने के लिए तो उखाड़ दो। कैसे संस्कार मिले आपको? कैसे संस्कार तेरे को मिले? आप तेरी बात सुन, अगर आदमी को डायबिटीज है क्या करना चाहिए? है डायबिटीज, उसको दवाई दिलवाओ। नहीं, गन्ने के पेड़ उखाड़ दो, गन्ने के सारे पेड़ जला दो। अच्छा, हर कोई बंदा सड़क पे मूत रहा फिर। ओए गलत आदमी, मच्छर, मच्छर की भी समस्या है। मच्छर की समस्या है? सारी कैसे रोक सारी इतना... सारी जो नदियाँ हैं, सारा पानी है। हाँ उसे उखाड़ दो, उससे दो फायदा होगा। उससे क्या फायदा होगा? जब पानी नहीं रहेगा तो दूध की नदियाँ बहेंगी, दूध में पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, और दूसरा आदमी को मच्छर ही नहीं काटेगा, क्योंकि मच्छर पानी में ही पलते हैं। अब जब पानी नहीं रहेगा तो आदमी नहीं मर जाएगा, आदमी एक दूसरे का खून पियेंगे क्या? एक सेकंड, कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है ना, नदी चाहिए या मच्छर चाहिए, बता क्या चाहिए? मुझे तेरी चाहिए, फोन काट देनी तो तेरी पका रहा है। पटरी पे कोई करते है ना दो नंबर, उसे रोकने के लिए क्या करना है? उखाड़ दो। नहीं आंदोलन करो। पूछ कैसे? कैसे आंदोलन करने पे लोग अपने आप ही पटरी उखाड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, आराम से बोल, सुन लिया ना किसी ने? तेरे संस्कार कहाँ से, मतलब कैसा आदमी है तू? है तेरे संस्कार कैसे, बावड़ी बात कर रहा है तू? सर फोन का ऊंचाई 3.5 FM, ट्रैफिक में ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग ही ड्राइव हो जाती है। नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हंसी का मिल जाता है। एक सेकंड, तो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, स्पेशली आप तकलीफ में तब आ जाते हैं जब आप किसी ग्रुप में हो, और अब तो इतने मल्टीपल, ऑफिस का अलग ग्रुप बना हुआ है, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अलग ग्रुप बना हुआ है, फैमिली का अलग ग्रुप बना हुआ है, कजिन्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, बिलो 18 अलग है, अबव 18 अलग ग्रुप बना हुआ है, तो इन ग्रुप्स में भी कई सारी, तो इसी से परेशान एक भाई साहब ने टॉपिक दिया और बउआ ने इस पे क्या किया, आइए जरा आपको सुनाते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? दो मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने नोकिया फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप भी आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछे, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर उसके सामने 11 केले रखे थे।
तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा उसका भाई, पेट भरा होगा। ना ना ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार भीड़ एक खाती था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 की 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? मैं सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे बुला। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। एक सेकेंड, इस बार एक बार वापस, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, ज्यादा ठीक है। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा हूँ उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। केले और हाथी दोनों वाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकेंड उड़की, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे है। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा देना, फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा टाइप लोगों का, मैं अकेले पूरी दुनिया बदल लूंगा। क्या बात? मैं अकेले पूरी दुनिया बदल डालूंगा। क्या बात? अकेले पूरी दुनिया। हाँ, बदल डालूंगा आगे, लेकिन पहले सुबह सुबह कोई मुझे रजाई से निकाले। आइए, बउआ का टॉपिक किसने क्या लिया, जरा सुनते हैं। हाय रोनू भाई, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। हर्ष भाई बताओ। हेलो। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं तेरा टेटुआ दुआ दूंगा। हाँ। तो सर ये टेटुआ है किधर, आप क्या इसमें बउआ बन के मजे ले सकते हैं? जरूर, आखिर टेटुआ होता कहाँ है, क्या बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक भाई साहब जिनका नाम हर्ष, जिन्होंने फोन करके टॉपिक दिया, पूछते हैं यार बउआ भाई, टेंटुआ दबा दूंगा, ऐसा अक्सर लोग एक दूसरे को धमकी देकर कहते हैं, आखिर टेंटुआ होता होता कहाँ है? आइए जरा सुनते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अंकिल जी, बउआ बोल रहा था। हाँ बोलो बेटा। बउआ बेटा लग रहा हूँ क्या? बाप थोड़ी लग रहे मेरे। अबे बोलेगा। सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोलना। सॉरी, चिड़ क्यों रहे हो? मैं कह रहा था, आदमी की आदत होती घुमा फिरा के बात करने के लिए, सीधा पॉइंट पे नहीं आता आदमी। हाँ तो बोल। क्या बोल? हेलो। अबे तो हेलो के आगे बोलेगा। हाँ मैं कह रहा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरे पापा ने बोला तेरा टेंटुआ दबा दूंगा। टेंटुआ? हाँ, और मेरे गुरुजी ने, यानी टीचर ने बोला कि अपने अंदर झांको। अंदर झांको? हाँ, ये दोनों बातों का कनेक्शन में बताता हूँ। मैंने जब अंदर झांका तो पता अंदर क्या मिला मुझे? बाबा जी का घंटा। ये सुनिए तो, अंदर मिला मुझे कुत्ते के खाने का सामान। कुत्ते खाने का सामान मतलब हड्डियाँ मिली अंदर। हड्डियाँ मिली? हाँ, हड्डियाँ ही खाते है कुत्ता। उसके बाद अंदर मिले दो आईफोन। अबे जब, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, किडनी होते ना किडनी। हाँ। एक किडनी पे एक आईफोन बेच के मिलेगा, इतना महंगा है, दूसरे पे दूसरा। अबे एक सेकंड रुक जा। और तीसरा मिला मुझे एक बच्चा अंदर। बच्चा? किसका बच्चा? मैं, हेलो, दिल मिला। दिल तो बच्चा ही है ना, पूरा सुन ले। अबे अंदर सेकेंड, बात ये है कि अंदर झांकने पर भी मुझे टेंटुआ नहीं मिला, जो मेरे पापा ने बोले थे टेंटुआ जबर। टेंटुआ आखिर होता है कहाँ, आपको पता है? टेंटुआ पीछे होता है। पीछे कहाँ? सर पे पीछे। अबे थोड़ा नीचे आ। नीचे मतलब गर्दन पे होता है टेंटुआ पीछे। अबे थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, पीठ पे। लेकिन पीठ पे तो तिल होता है, टेंटुआ कहाँ होता है? अबे क्यों दिमाग खराब करा, थोड़ा नीचे आ। पीठ से नीचे कमर, ओ कमर के पास होता होगा कहीं टेंटुआ। अबे और नीचे आ बे साले। और नीचे? अच्छा, जांग पे होता है पीछे की तरफ? नहीं नहीं, तू थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर की तरफ आ। अच्छा, मतलब वापस कमर पे होता है, मतलब जहाँ तिल होता है। अबे तेरी गावा होता है। तो ए, बोले चले क्या? नहीं चाहिए टेंटुआ, दबाना ही नहीं है मुझे। फिर ले ले। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, मैं बउआ और मेरे साथ और बैरागी। कौन बोल रहा भाई? हम दोनों लोग बोल रहे हैं, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस बात के लिए तैयार? ये चर्चा होती है हर हफ्ते भाई साहब। भाई साहब कौन सी चर्चा, किस बात? जहाँ पर एक सामाजिक पहलू पर नंदकिशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज की गतिविधियों को नियंत्रित करके प्रकाश डालता है।
किस बात की चर्चा हो रही है बता दो भाई। टॉपिक बता दूंगा ना, आप बोलो तो दो मिनट लगेगा। ले ले यार मेरे दो गंदा मत बोली। तुम्हें ये कहता था कि एक बड़े नेता की तस्वीर आई, वो संसद में सो रहे थे। जी जी भाई, देखा आपने? हेलो। हाँ देखा मैंने, वो भी सो रहा था। हाँ वही सो तो वही है कि अक्सर संसद के अंदर लोग सो क्यों जाते बैठे, इससे पहले भी कई तस्वीरें आई हैं। तो आज से नहीं, बहुत जमानों से ही संसद के अंदर उससे पहले भी जो है लोग सोते रहते थे। हाँ। ये कौन है भाई, कौन बोल रहा है और ये क्यों बता रहा है? एक्सपर्ट है ये बैरागी जी, नंद किशोर बैरागी एक्सपर्ट। अब तो मैं एक सेकंड रुकिए बैरागी जी। जी इससे पहले भी लोग झपकी लेते थे, सोते थे संसद में कई लोग। वैसे क्यों, लेकिन कारण क्या है? देखिए इसकी सीधी सी एक वजह है, जितने भी लोग संसद में काम करते हैं वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। भाई साहब मानते हैं किसी ना किसी पार्टी से हैं? हाँ भाई किसी ना किसी पार्टी से ही है, तो इससे मेरा ताल्लुक क्या है? एक सेकंड रुकिए, नहीं वो सोचे क्यों है इनके? पार्टी जो है देखिए कब होती है, रात को होती है पार्टी। हाँ ये रात को होती है। बैठ जी वो म्यूजिक कर रहे हो तो ये क्या निकाल रहे हो? एक सेकेंड, वो सब जो अंदर बैठे होते हैं वो किसी पार्टी से होते हैं। आपने कहा पार्टी रात में क्या भाई, इशारों में बैरागी जी ने जवाब भी दे दिया। इन्होंने कहा था कि सभी पार्टी से हैं अंदर बैठे, और पार्टी रात को होती है, और अगर रात को पार्टी होगी तो दिन में तो सब सोएंगे। क्यों बैरागी जी? जी जी तो रात को पार्टी है तो दिन में तो आदमी सोएगा ही। वाह बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम बबलटा सत्तू। आप बबलटा सत्तू हैं? अबे चल नाम होगा बबलटा सत्तू, बाप का नाम होगा। बैरागी जी ये चर्चा यही खत्म की जाएगी। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ बबलटा सत्तू, बहुत ही बढ़िया रहा ये नंद किशोर बैरा भाई साहब। आप हैं चल बसे? मैं हूँ, चल बताओ तू चल बसे साले। बस बात करिए टीजे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी मैक्सिको की गली नंबर 4 से है। पराठों को त्रिकोणी शेप देने वाली कुमारी रोजी अजवाइन कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। रोजी अजवाइन जी एफसी रॉकिंग नहीं होता, थैंक यू बैठागी जी। ट्रायंगल पराठे बनाती है। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ये सब बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया बोला तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधे ये बोल दो ना कि बहुत बढ़िया, क्योंकि हर कोई यही पूछता है। पहले फोन उठाया बोला हेलो, दूसरा बोला और सब बढ़िया, तो सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान, हेलो ही बोलूंगा। जान ना पहचान जो भी हो, सामने वाला पूछता तो है हाउ आर यू। अरे तो भाई जान, आप समझे नहीं, काम प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई तो काट के तुम्हारा कर ले। आप अगली बार बोलना ठीक है, हेलो मत बोलना, हेलो बोलने से टाइम वेस्ट होता है। ठीक है भाई, वापस लगा रहा हूँ एक सेकंड में। हेलो यार, फिर से हेलो बोल रहे हो? अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है वापस मिला रहा हूँ, सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया तू बता। बहुत बढ़िया, वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया? ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? कौन बे? ना नेटवर्क आता है इसमें ना कुछ, क्या फोन दिया तुमने मेरे को? कौन है बे? बे करके बात ना करे, बताओ सर कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूंगा घर पे। तेरी अच्छा ये सीखा तुमने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। बढ़िया, तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो यार, फिर आप हेलो बोल रहे हैं? अरे तूने बोला फोन करूंगा मैंने, बढ़िया बोला तूने, पता नहीं किससे बात करा दी। गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आप माँ मत खा, क्या पता नहीं फोन मिला रहा तू। मैंने जब आपको लगाया ना, आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात कर दे रहे थे। तेरा ही फोन था, खा ले मेरे को। प्लीज मेरी खाती, एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है? प्लीज एक बार प्लीज वापस लगा दो, एक बार प्लीज। और भाई बढ़िया? ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। ओ तू कौन है बार बार फोन? बार बार फोन मिला देता, बार फोन मत कर, दिमाग खराब। बढ़िया तो कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे धनिया तेरी मिल। हेलो
यार फिर आपका फोन बीजी है। तेरी माँ का फोन मत मिला, सारे पता नहीं किस किस से बात करा रहे। तेरी क्या हुआ, क्या हुआ पता नहीं किस किस से बात करा रहे। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिये, तू समझ बात, दोबारा फोन मत। तुम दोनों बढ़िया सी, गंदा मत बोल, और सब बढ़िया। बताओ तेरे को बढ़िया फोन काट देखो। क्या हाल है? बढ़िया चल रहा अंकिल। सॉरी लेडीज, मतलब लोगों को बढ़िया हूँ। ठीक है बताओ। कुछ नहीं, एक बार एक आदमी को डॉक्टर ने बोला हाँ कि अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे। अच्छा आदमी क्या बोला वापस? आदमी बोलता है अंकिल, डॉक्टर से बोलता है अंकिल मैं कबड़ खोदता हूँ, कबड़ आपकी फ्री में खोद दूंगा। रौनक भाई अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि फलाना यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम का ये पेपर लीक हो गया। अब लीक हो गया तो उसपे बउआ क्या कर सकता है? आइए आपको सुनाते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, यहाँ ठीक करिए इस तरफ, लीकेज बहुत ज्यादा है। लीकेज ज्यादा है। क्या ठीक करा रहा है तू? अंकिल नमस्ते। नमस्ते, क्या हो गया? भाई साहब दो मिनट होंगे बउआ बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, पेपर ही लिख रहा हूँ। ये प्लम्बर पीछे काम कर रहा है इसलिए ठक ठक की आवाज आई। यहाँ करिए आप ठीक से। अबे दो एग्जाम लिखते हैं, प्लम्बर कहाँ से आ गया भाई, क्या कर रहा है तू? क्योंकि मेरा पेपर लीक हो गया ना इसलिए वो बनाया जाए लीकेज। अबे पेपर मैं फोन गंदा करूँ, सारे सवाल बहे चले जा रहे हैं। अबे अपने पकड़ ले उनको, आई बात समझ में? गंदी बात कर रही है आप। गंदी बात मैं तेरे से भी करूँगा, उस सारे प्लम्बर से भी करूँगा। सारे बह जाएंगे, जल्दी पूछ, सवाल बह जाएंगे सारे। भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए, साले उस प्लम्बर के कान पे मार तो बह जाएंगे। ये विशंबर जी गंदा बोल रहे आपको। अच्छी लीकेज बंद कर देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। विशंबर हो विशंबर ना, तो फोन करने को बोले। एक सेकंड, सवाल लीक होने हैं, बच्चे का करियर का सवाल है। सवाल लीक हो रहा है साले, नीचे से तेरा करा दूंगा मैं। बस कहिए, पहला सवाल बताया, पहला सवाल पूछ रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकी। एक शिकारी है, एक पेड़ पे कई सारी चिड़िया बैठी है, उसने गोली चलाई एक चिड़िया उड़ गई, बाकी क्यों नहीं उड़ी? अबे बाकी चिड़िया क्यों नहीं उड़ी उनकी उसके पूछ के उनसे, बाकी क्यों नहीं उड़ी? प्लम्बर अंकिल इसलिए नहीं उड़ी, वो सब प्लास्टिक की थी। मैं लिख देता हूँ ये पेपर में। दूसरा सवाल, अगर दसवें फ्लोर से फ्रिज नीचे गिरेगा तो फ्रिज क्या हो जाएगा? दरवाजा टूट जाएगा और क्या हो? नहीं एक सेकंड, प्लम्बर आप बताइए। फ्रिज का दरवाजा खुल जाएगा। ओहो, फिर बाद में दरवाजा मेरे पास ले आना, हाथ डाल के मैं पूरा खोल दूंगा। तू इतना गंदी बात बोल रहा है, इसका जवाब तू बता। हाँ इसे पूछो। एक मोमबत्ती है 5 इंच की, उसपे एक बाल्टी पानी डालेंगे तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी? अबे बुझ जाएगी जैसे। नहीं इसीलिए तू फेल हो गया, मोमबत्ती बह जाएगी। ओ जल्दी जल्दी लिख, बह जाएगी। मैंने कब कहा मोमबत्ती जल रही थी? ये प्लम्बिंग अपने उसके करो, इसको गंदा बोलिए। ऐसी सील लगा दूंगा, ऐसी सील लगा दूंगा सुबह दिक्कत हो जाएगी बेटे। तेरी सील लगा दूंगा, मेरे को बता रहा तू सील लगा गंदा। मेरे पास वॉश बेसिन की 3 टूटी गंदा बोलिया। हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते। मेला प्रशासन कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे। बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे बापड़े क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक देखो यहाँ पे सब बिक तो, एक सेकेंड, मेला प्रशासन की एक अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास। हाँ जी। अरे मुझे क्या करना है उसके? फिर 2 मिनट मदद चाहिए भाई साहब। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। हाजी जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। देख रहे आप, सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था ना? हाजी तुम भी बच्चा जाने, मेरा बच्चा थोड़ी है वो। चूड़िया हरी चूड़िया लाल चूड़िया। मेला प्रशासन, आपका अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? जरूरी सूचना। अरे तो अपने बच्चे हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं उसका अपने बच्चों को हाथ। तो गंदा क्यों बोल रहे हो आप? अगर मेरे पास क्यों फोन करा तूने? इसलिए किया, एक सेकंड, लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से। एक सेकंड रुक जा भाई साहब। हाँ जी। ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए ये खड़ा है, एक घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूँ? नहीं भाई साहब आप हंस रहे हैं, एक सेकंड, इसकी तो 2 आँखें 2 हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था? शुतुरमुर्ग गए? तेरे का सारा पैर है क्या? ये देखो ये देखो, आपके 2 आँख 2 पैर ही होते हैं। 2 आँख नहीं, एक सेकंड। एग्जैक्टली, मेला प्रशासन आपको तोहफा देता है। एक सेकंड, मेला प्रशासन आपको बुलाया जाए। अरे मेला प्रशासन की मेरे को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड, मेला प्रशासन के कार्यालय में एक बच्चा है, एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है लाल चड्डी में, जिनका बच्चा आकर ले जाए। हाँ जी। अरे लाल चड्डी इसके मुंह में भर दो।
समझ आई लाल। एक सेकेंड, इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चिराग दिल्ली? एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया, बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है, जिनका है आकर ले जाए। इन्होंने बोला ना किसका बच्चा है, जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो जिन जिन तो चिराग में रहते हैं, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा भाई साहब। गंदा बोल रहा है, इनके ऊपर एक गाना भी बना है, सुनाओ। जिनके साइड हो, अरे वाह, हाँ, जिनके साथ हो, साथ नहीं साइड हो, सुना दे आगे। इस गाने में भी जीन है, बताऊं कैसे कैसे जीने मेरा दिल जीने। मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छा है। अबे वो बूमर की औलाद, सेंटर प्लस चला जा, अबे चल तेरी लागे फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पट्टा कब आ जाएगी। बम लगा के उड़ा दे। किसका बच्चा है, जिनका बच्चा है आकर ले जाए। हुकुम मेरे आका, फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर, बूमर की औलाद भुला के फाड़ दे पट्टा। बुआ घाटे ये वाला टॉपिक बउआ को मिला था, बउआ ने आधे फोन पे बात कर ली थी, बाकी पूरा आपको अभी ये सुनाते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। सॉरी, नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या काम है? हाँ जी, क्या काम है? काम ये है कि भाभी के लिए मैंने नौचंदी मेले में गया था ना, घेवर भिजवा दिए। कौन भाभी? मिशेल। मिशेल? अरे मिसेज ओबामा। अच्छा, मिसेज ओबामा। हाँ। उसके लिए घेवर भिजवा दिया तूने? घेवर भिजवाई गई, घेवर है। हाँ। अच्छा, मेरे पास नंबर है उसका। किसका? मिशेल मिशेल ओबामा का? नहीं भैया का है। अच्छा, वो ओबामा का नंबर है। हाँ, लिख तेरे को दूँ? हाँ मुझे दे, ले लिख कर लेता हूँ। हाँ, बात कर, लिख वन। हाँ, वन जीरो 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 जीरो। अबे तो पुलिस का नंबर है। नहीं, वो लठ दिखा के ना, ओबामा, नवाज शरीफ, पुलिस सबका नाम आवाज निकलवा देगी, मिलवा देगी तेरे को। तो तू लेना अपनी। अमिताभ बच्चन आ रहे हैं वीकेंड पे। अमिताभ बच्चन आ रहे हैं? बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? हाँ, चिपका के बोलना है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? हाँ, वेरी नहीं, दो रुपए का और बोलना। अच्छा, दो रुपए दे। वो आने वाले वीकेंड में, पता है क्यों? क्योंकि वीकेंड के बाद पहला सोमवार लग रहा है सावन का। हाँ, तो जाले साफ करने हो, मैं तेरे को गोद में उठाएंगे, मैं जाले साफ कर दूंगा। तो जिस झाड़ू से जाले साफ करेगा ना, वो तेरी झूठ पे झूठ बोले क्यों जा रहा है? अब गंदा क्यों बोल रहे हैं? गंदा क्यों बोल रहे हैं? कोई मर गया क्या? ये क्या मतलब? नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहा है, कोई मर गया क्या? मर गया? आपको कैसे पता कोई मर गया? हेलो। हाँ, मेरे दादाजी नहीं रहे यार। अच्छा, इसी वजह से मैं झूठ भी बोल रहा हूँ। क्यों, इस वजह से क्यों बोल रहा है झूठ? इसलिए क्योंकि उनको मरे 3 साल हो गए। अच्छा, और हम लोग हर साल श्राद्ध करते हैं। अच्छा, फिर तो उनके लिए खाना बना के छत के ऊपर ले जाते हैं, केले के पत्ते पे रखकर। और पंडित जी ने बोला था अगर कौआ खा लेगा ये छत पे खाना, तो फिर समझ लो दादाजी ने खा लिया। अच्छा, लेकिन काफी टाइम हो गया, कौआ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं झूठ बोल। हेलो, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि झूठ बोले कौआ काटे, है कि नहीं? हाँ, तो झूठ बोल रहा हूँ, कौआ काटने आएगा, आएगा तो ये सिद्धार्थ का खाना भी खा लेगा। अच्छा, तो हो गया, बस इसीलिए झूठ बोल रहा हूँ। मत बोल दादाजी, तेरे दादा की। चलो आगे बढ़ते हैं। चल तुम बढ़ो, हम तो आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, सो एक सेकंड, किसी ने कहा कि आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है, लोगों को साफ सफाई से और शौच सही जगह करने के लिए हम आज कहते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। तो इसी पे बउआ बन के आप क्या कर सकते हो? ये देखिए, हमने क्या किया, अब आपको ज्यादा, एक सेकंड ये सुनाते हैं। हेलो, एक सेकंड रुकिए आप, क्या लाठर साहब? हाँ, ये क्या कर दिया हमने? क्या किया क्या तूने यार? ये कौन बोल रहा है भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ।
दो मिनट का हेल्प चाहिए। लाठर साहब मेरी गलती नहीं है, ये सही लग रहा है। क्या किया क्या है यार, इसे हटवाना मत आप। मैं इसे फेंकवाऊंगा, हटवाना मत। सुन सुन, तुम इससे बात करना क्यों पागल बना रहा हूँ, उनसे बात करनी, उनसे बात करनी। अच्छा ठीक है ठीक है यार, एक मिनट तू चुप करना। तेरे बाप की उम्र का मैं बात कर रहा हूँ, तू बीच में बोले जा रही है, तूने अच्छा किया। अरे ये किसको बोल रहा है, इसको पहले बोल के चुप हो जा। तेरे को ही बोल रहे, तू बीच में बार बार बोल रहे। हम लोग बात कर रहे थे मकान मालिक, फोन काटना भी मेरे फोन किया, तो मकान मालिक से बात कर मेरे, इसलिए फोन किया तुमने। तू काट दे फोन, तेरे पास ऑप्शन नहीं फोन काटने का। लाठर साहब कंट्रोल, बाप की उम्र का तमीज से बात कर ले। बस बाप की उम्र का ना, तो बाप की उम्र का मैं प्रॉब्लम तो बता दूं पहले। क्या हुआ है, क्या हुआ, लड़का हुआ है, चाचा चाचा बोल रहा, क्या हुआ, सुन लेना एक मिनट। लाठर साहब, भाई साहब बताइए, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, आप बस से जाओगे ट्रेन से? लाठर साहब क्या यार, ये क्या किया तूने? दूसरी बात, चाय पीने का सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है, बस में या ट्रेन में? ट्रेन में। देख लाठर साहब, ट्रेन में। अब बताइए ये क्या किया यार? इसलिए बता रही हूँ, ये इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ। भाई साहब, चादर और तकिए एसी कंपार्टमेंट में अगर आपको मिले, अच्छा, तो वो कहाँ मिलते हैं, बस में या ट्रेन में? ट्रेन में। लाठर साहब ये क्या किया, इसको भी एक पागल बना रहा। ये क्या किया, क्या किया, क्या लगा रहे, इसने क्या कर दिया? वही जो मैंने किया वही बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर आप चलते चलते टट्टी, क्या बोला तूने, टट्टी टट्टी, तू अपनी औकात में आज भी नहीं। एक सेकंड रुकिए, आई माइट बी साउंडिंग ग्रोस, लेकिन करते इसे हर रोज। फिर क्या टट्टी टट्टी बोलना, अगर आपने ये शौचालय घटना है तो आप बस में अच्छे से कर सकते हैं, ट्रेन में? ट्रेन में। इसीलिए क्या मेरे यहाँ से हटा दिया लाठर साहब, इसीलिए मैंने ये करवाया है। तुम मेरे को ये तो बता दे, तूने करवाया क्या, तूने उस मकान मालिक के, तो इतनी एक सेकेंड लाठर साहब आप बताएंगे? इसने ये कर दिया, मेरे दो गुसल खाने थे, दोनों में रेल की पटरी बिछा दी। पटरी क्यों बिछा, पटरी अभी तो रेलवे का इतना फायदा बताया मैंने, पटरी पर करने का अलग फायदा है। हाँ एक फायदा और है पटरी का, मैं बताऊँ पटरी का? बता, पटरी में घुसते ना लाठर साहब, गंदा बोल रहे। बाप की उम्र का ढंग से बात कर ले, जवान खींच के डाल दूंगा। तू बाप की उम्र का हो तो पटरी बना देना, फोन का क्या, गंदा बोल। काट दिया लाठर साहब।